Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. बॉलीवुड में बड़ी सी बड़ी हीरोइन ने ऑन स्क्रीन थप्पड़ खाए हैं, लेकिन रियल लाइफ में थप्पड़ की दास्तां किसी किसी को मालूम है। एक हीरोइन जो बहुत अच्छा गाती थी और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही थी, जिन्हें हम पद्मिनी कोल्हापुरे के नाम से जानते हैं। वही पद्मिनी कोल्हापुरे जो मशहूर हुई थी अपनी फिल्म गहराई और इंसाफ का तराजू के लिए। जो दृश्य उन्होंने दिए थे वो देखते ही बनते थे। लेकिन जब पद्मिनी कोल्हापुरे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही थी, तो एक दिन इन्हें बड़ा बुखार चढ़ गया। ये शूटिंग के नहीं जा सकती थी और इनके पिताजी ने साफ कह दिया था कि जब तक ठीक नहीं होगी तब तक शूटिंग पे मत जाना। पर पद्मिनी कोल्हापुरे नन्ही सी उम्र में ही जान गई थी कि पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है। अपने पिताजी को बिना बताए ये पहुंच गई शूटिंग पर, और जब इनके वालिद को पता चला कि पद्मिनी कोल्हापुरे बिना बताए बुखार में पहुंच गई शूटिंग के लिए, तो प्रोड्यूसर साहब के सामने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब घर पहुंची पद्मिनी कोल्हापुरे, तो उनके पिताजी ने एक ज़ोरदार तमाचा दिया और समझाया कि बेटा, अगर बीमार हो तो काम से दूर रहो, ठीक हो जाओगी तो काम कर लेना। पर वो झापड़ यादगार बन गया। ऐसी और भी ज़बरदस्त झन्नाटेदार कहानियाँ सुने सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर। सब्सक्राइब करें पेज 3 रिपोर्टर।